रेजिना अब क्या कर रही हैं जानते हैं। एलिल सर के डायरेक्शन में उदयनिधि स्टालिन की डिफरेंट स्टोरी लाइन फिल्म सर्वना इरुकुम बायमेन। इस फिल्म में रेजिना ही हीरोइन है। वैसे ही इदयम पुगल लेट मुरली सर के बेटे अथर्वा की जोड़ी में जेमिनी गणेशन सुरली राजन की कॉमेडी फिल्म में रेजिना ही हीरोइन है। इन सब से बढ़कर एक और स्पेशल बात है, कादल कोंडेन, सेवन जी रेनबो कॉलोनी, पुदुपेटे, आयरतिल ओरुवन, इरंडाम ओलगम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले, अपने आप को इंटेलिजेंट डायरेक्टर प्रूव करने वाले सेल्वा राघवन अभी डायरेक्ट कर रहे हैं नेंजम मरप्पदिल्लई। डायरेक्टर एस जे सूर्या के साथ इस फिल्म में हीरोइन है रेजिना। इतना ही नहीं, मड़ई तिरंद नाम की एक फिल्म बाहुबली विलियन, तेलुगु अभिनेता रामा नायडू, सुरेश बाबू, वेंकटेश के रिश्तेदार राणा टगुपति सर तमिल में आ रहे हैं फिल्म मड़ई तिरंद के साथ। इस फिल्म की हीरोइन भी रेजिना ही है। इतना ही नहीं, अमिताभ अनिल कपूर कॉम्बिनेशन में एक हिंदी फिल्म भी कर रही हैं, महानगरम नाम की एक नई फिल्म और तेलुगु की एक अनटाइटल फिल्म भी। ऐसे अपने करियर को बिजी रखने वाली रेजिना से देखने वाले सब एक ही सवाल पूछते हैं, उम्र हो रही है, शादी कब करोगी? इस प्रश्न के सुनते ही शर्म से नजरें झुका, मेरी उम्र ही क्या हुई है, क्यों ये सवाल करते हो, ऐसे पूछती हैं। पर बाहर की न्यूज यह है, रेजिना को अरेंज मैरिज सेट नहीं होता। कल कुछ प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स के पीछे दौड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा लव मैरिज ही है ना। सो मैं जरूर लव मैरिज ही करूंगी कहती हैं, वो भी पूरी मीडिया को बताने के बाद ही करूंगी। जो भी हो, इस वेल्दी सिनेमा जगत में हेल्दी रेजिना कैसेंड्रा नई ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी कामना है। सितारों का मतलब शाम को आते हैं, रात भर जगमगाते हैं, सुबह गुम हो जाते हैं। तब से लेकर अब तक हीरोइनों की दशा बिल्कुल इसी तरह की रही है, इसीलिए हम उन्हें स्टार्स कहते हैं। कोई भी अभिनेत्री हो, कितना बढ़िया टैलेंट हो, लंबे समय तक वे सिनेमा में नहीं टिक पाते। थोड़े समय के लिए ही सही, चलने के लिए भाग्य के साथ की जरूरत है। उन भाग्यशाली हीरोइनों में एक और नाम नयनतारा। जब अय्या फिल्म में डायरेक्टर हरि ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, हमें ही नहीं डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि यह लड़की आगे बढ़ेगी। सभी ने सोचा ग्लैमर डॉल है, पर नयनतारा ने अपने आप को साबित करके दिखाया। एक तरफ चंद्रमुखी में रजनी के साथ आती हैं, दूसरी ओर रजनी के दामाद धनुष के साथ यारडीनी मोगिनी में भी नजर आती हैं। उस तरफ इरुमुगन में विक्रम के साथ, इस तरफ तिरुनाल में जीवा के साथ, हर कैरेक्टर में सटीक। बिल्लू में विजय के साथ काम करती हैं, बिल्ला में अजीत के साथ। स्विम सूट में क्या सेक्सी दिख रही है बोलते बोलते ही। दूसरी ओर तेलुगु फिल्म राम राज्यम में राम की पत्नी सीता के किरदार को निभाती नजर आती हैं। काजल अग्रवाल के बारे में कहने को बहुत कुछ है, वे भाग्यशाली रही कि हर एक हिट फिल्म में वे नजर आती हैं। कार्तिक के साथ नान महानिलय, जीवा के साथ कावले वैंडाम, विशाल के साथ पायुम्पुली, धनुष के साथ मारी, ऐसे किसी भी हीरो को मना ना करने वाली, सबके साथ जोड़ी बनाने वाली काजल अग्रवाल का साथ भी तेलुगु इंडस्ट्री ने ही दिया। तेलुगु में महेश बाबू के साथ काम करने के बाद सभी बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद एसएस राजमौली की मगधीरा आती है, उसमें मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण के साथ वे जोड़ी में नजर आती है। आज भी काजल अग्रवाल का ग्राफ नीचे नहीं ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तमिल में अजीत की 57वीं फिल्म में वही हीरोइन है। विक्रम के साथ भी एक फिल्म आने वाली है। चिरंजीवी की 150वीं फिल्म कत्ती रीमेक में, कई दिन अंबर नूती अंबद में भी काजल अग्रवाल ही लीड रोल में है। लगातार 3 साल से टॉप पर रही काजल जबरदस्त स्टार है। If you enjoyed this video, kindly like, share, comment. And for further our interesting videos, subscribe our channel below.